नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, बिहार को एक और सदमा दे गया इस आसिनवास ने। सूबे के कल्याण मंत्री का भी असामयिक निधन हो गया। विनोद सिंह कुशवाहा का बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे कटिहार के प्राणपुर क्षेत्र से भाजपा कोटे से विधायक थे। भावांजलि के साथ श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने कठोर कदम उठाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित चयन समिति के 3 नेताओं को प्रत्याशी के मामले में समिति से हटा दिया है। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह को बिहार चुनाव के सभी कमेटी से भी हटाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, ठीक वैसे ही सभी दलों को बागी के साथ दागियों को लेकर जनता के बीच मंथन होने लगा है। आम मतदाता अपने उम्मीदवार की छवि बेदाग चाहती है। चुनावी सभाएं शुरू हो गई हैं और मैदान में बतौर श्रोता जनता भी आने लगी है, लेकिन कोरोना के लिए निर्धारित गाइडलाइंस की अवहेलना नेता और जनता दोनों के द्वारा की जाने लगी है, जो चिंता की बात है। अवहेलना से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जेल से रिहा नहीं हो पाने की स्थिति में फिलवक्त चुनाव की कमान तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी मीसा भारती के हाथों ही रहेगी। राजद शिविर से सभी नेता और कार्यकर्ताओं को चुनौती के लिए तैयार किया जा रहा है। आज मंगल कामनाओं के साथ राजद चीफ लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यह उनका नया क्षेत्र होगा। यादव बहुल इलाका होने से अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे एवं तीसरे चरण के लिए सीटों की घोषणा 14 अक्टूबर को कर सकती है। अभी राजद से कुछ क्षेत्रों के लिए जीत कायम है, लेकिन बात बन जाने का दोनों ही दलों का भरोसा है। खबरों के मुताबिक राजद ने 38 क्षेत्रों से दागी उम्मीदवार घोषित कर लोगों को चौंका दिया है। दल का मानना है कि अभी के समय में जिताऊ उम्मीदवार की अधिक अहमियत है। वैसे इस बात का खुलासा चुनाव आयोग को पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी रिकॉर्ड से हुआ है। दल के साइट पर भी आंकड़े डिस्प्ले किए गए हैं। जनता करे सवाल तो क्या जवाब देंगे, इस बात से सभी नेताओं को बाखबर रहने की जरूरत है। इस बीच सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने अपने कामों का लेखा जोखा जनता को दे रहे हैं। विकास को लेकर उनकी सरकार ने कितनी संजीदगी से काम किया है, वे यह भी अपने भाषण में जनता के बीच रख रहे हैं। आगामी 23 नवंबर से बेगूसराय की जनता को महावीर मंदिर पटना की ओर से एक आधुनिक अस्पताल भेंट किया जा सकता है। इस बारे में सभी स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है। महावीर आरोग्य सेवा सदन की शुरुआत को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार लगभग 3 करोड़ का व्यय होगा। आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक अभी विभागों की ओपीडी खुलेगी। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।